नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज जो रह गए थे घात के इकाई के अंक 4, 2, 3, 7 और 8 के, तो उनको मैं लेकर आया हूँ। उन्हें आज क्लियर कर देते हैं इकाई के अंक को, घात के इकाई के अंक। तो घात के इकाई के अंक में 4 का हम पहले देखते हैं। यदि इकाई का अंक 4 हो, यानी कि बेस जो है उसका इकाई का अंक 4 हो और घात को 2 से भाग देने पर शेषफल यदि 0 हो तो इकाई का अंक 6 होगा। शेषफल 1 आता हो तो इकाई का अंक 4 होगा। जैसे 74 की घात 289, तो हमें बेस है 74, तो 74 में तो देखना हमें इकाई का अंक 4 और इसकी घात है 289। 289 में हमें ये देखना है कि जो घात है वो सम है या विषम है। तो 289 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 चौक 8 बचा 1। तो 1 अगर बच गया तो इकाई का अंक होगा 4। और अगर 0 बचता है, यानी कि जो घात है वो अगर सम संख्या है, 2 का भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचता है, 0 बचता है, तो इकाई का अंक हो गया 6। 289 को 2 से भाग देते हैं तो इकाई शेषफल 1 आता है, तो इकाई का अंक 4 होगा। अब मैं उदाहरण देता हूँ, आपको समझाता हूँ कैसे होता है। कि जैसे मान लो 4 की घात 2 है, तो 2 हो गई सम संख्या, तो 4 × 4 = 16, तो इसका इकाई का अंक क्या हो गया 6। और अगर विषम संख्या है 4 × 4 × 4, यानी 4 की घात 3, तो इसका हम गुणा करेंगे तो 4 × 16 = 64, यानी कि इसका जो इकाई का अंक हो गया 4। अगर विषम संख्या है तो इकाई का अंक हो गया 4। अब एक बार फिर से हम इसको सम बनाते हैं, तो 1 4 की ओर गुणा कर देते हैं इसमें, तो 4 × 16 = 64, 64 चौका, यानी कि फिर इसमें 4 की गुणा हुई तो फिर आ गया 4 × 16, यानी कि जो 256 होगा उसमें जो इकाई का अंक होगा 6। इसी क्रम में ये बदलते रहते हैं, यानी कि सम संख्या पर 6 और विषम संख्या पर इकाई का अंक 4 होगा। घात की जो संख्या है उसके आधार पर ही हम निर्णय ले लेते हैं कि यदि घात की जो संख्या है वो अगर सम है तो इकाई का अंक 6 होगा और विषम है तो 4 होगा। चलिए आइए अब हम देखते हैं 2, 8, 2, 3, 7 और 8 के बारे में। तो मैंने इसे सहूलियत के हिसाब से, अपनी ट्रिक के हिसाब से 2 और 8 को रख लिया एक जगह, तो 2 और 8 एक साथ मैंने रख लिए। अब इनकी घात में 4 से भाग यदि हम देते हैं, तो अगर यदि 2 की घात है और उसमें 4 से भाग दिया, शेषफल आया 0, तो इकाई का अंक होगा 6। शेषफल आया 1, तो इकाई का अंक होगा 2। शेषफल आया 2, तो इकाई का अंक होगा 4। और शेषफल आया 3, तो इकाई का अंक होगा 8। तो इसको मैंने, और अगर 8 है तो 0 पर 6 ही होगा, 1 पर 8 हो जाएगा और 2 पर 4 हो जाएगा, और अगर 3 से बचता है तो 2 हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा ट्विट, 2 और 8, ट्विट का नियम। 2 और 8 को मैंने एक साथ कर दिया तो ये हो गया ट्विट, ट्विट का नियम। तो ट्विट का नियम ये है कि अगर शेषफल
घात में भाग देने पर शेषफल शून्य बचता है तो इकाई का अंक 6 होगा। इसको याद करना पड़ेगा। यदि ट्रिक के नियम में यदि घात में भाग देने पर चार की भाग देने पर यदि शून्य बचता है तो इकाई का अंक 6 होगा, यदि एक बचता है तो ट्विट होगा, ट्विट का मतलब 2 और 8। यानी कि 2 में 2 होगा और 8 में 8 होगा, यानी कि जो है वही रहेगा। और यदि इकाई का अंक हमारा घात में भाग देने पर 2 शेष बचता है तो 2 का डबल हो जाएगा, 8 का आधा हो जाएगा। अगर 2 शेष बचता है तो 2 का डबल हो जाएगा और 8 का आधा हो जाएगा। और अगर 3 शेष बचता है तो हो जाएगा उल्टा A2 का मतलब 8 और 2 A2। तो हम इसको सारणी को इस तरीके से याद कर लेंगे, शून्य पे 6 होगा दोनों के लिए, शून्य बचता है तो 6 होगा और अगर एक बचता है तो समान होंगे दोनों, ट्विट का ट्विट यानी कि 2 और 8 दोनों अपने स्थान पर आएंगे यदि एक शेष बचता है तो। और यदि 2 शेष बचता है तो 2 का डबल और 8 का आधा यानी दोनों का 4 होगा। और यदि 3 शेष बचता है तो उल्टा हो जाएगा, 8 2 हो जाएगा, यानी कि A2 शॉर्ट फॉर्म मैंने इसकी बना दी A2। तो 6 ट्विट डबल हाफ और A2 यानी कि 2 का डबल और 8 का हाफ और A2 यानी कि 2 का 8 और 8 का 2 A2। तो इस तरीके से हम इस सारणी को बनाकर और इस ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं। अब रह गया 3 और 7 यानी कि 3 और 7 का बन गई ट्रिक 3। तो इनका दोनों का होगा अगर 0 शेष बचता है तो 1 और अगर 1 शेष बचता है तो समान 3 और अगर 2 शेष बचता है तो होगा 9 दोनों में समान 9 और अगर 3 शेष बचता है तो होगा उल्टा 7 हम उसको बोल सकते हैं 7 3। तो इस तरीके से हम इस सारणी को बना करके और इस जो नॉर्मल सी ट्रिक से हम इसको हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। केवल एक बार थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बाकी एक बार याद हो जाएगा तो लाइफ टाइम के लिए हमारा जो घात का इकाई का अंक है ये क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स करें और आपसे विशेष अनुरोध है कि जब आप वीडियो देखा करें तो उसके नीचे एक लाइक का बटन होता है, एक अंगूठे का निशान होता है, उस पर आप अवश्य क्लिक करें जिससे कि एक एक्टिविटी का पता चलता रहे कि हाँ एक्टिविटियां हो रही हैं, लोग पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूँ, अगले वीडियो तक जय हिंद जय भारत।